आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर पढ़ सुन या देख लिया होगा कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मुगल गार्डन था उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्धान रख दिया गया है मोदी जी का यह बहुत बड़ा कदम है क्योंकि जिस काम को कांग्रेस ने सत्तर साल में नहीं कर पाई कांग्रेस सत्तर साल में नहीं कर पाई उस काम को मोदी जी सिर्फ और सिर्फ आठ साल में कर दिखाया इसके लिए सबसे पहले तो तालिया होनी चाहिए चलिए अब तालियों के आगे निकलते हैं कि अगर मोदी जी सिर्फ और सिर्फ नामकरण के लिए बने हैं और सरकार में आए हैं तो फिर ये आठ साल क्यों लगे ये भी एक सवाल है पहले ही कर देना चाहिए था आठ साल लग गए मोदी जी को भी क्यों जी मैं तो कह रहा हूँ भाई जितने भी मुसल मतलब मुस्लिम नाम है या जो भी है जिस भी गार्डन वार्डन जिसके भी नाम है एक बार सरकार बैठे सभी को बदल कर एक बार सभी को खलास कर दे बदलना है बार 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 इसको एक कंट्रोलिंग पावर बनाना लोगों को जो अनभक्तों को कंट्रोल किया जाता है इससे समझ रहे हो इस बात को मतलब इसी नाम से अनभक्तों को कंट्रोल किया जाता है जैसे इलेक्शन आते हैं उससे पहले मतलब कोई ना कोई मुस्लिम या आर्डन गार्डन जो भी हो मुस्लिम नाम से उसको बदल दिया जाता है और इससे मतलब लोगों को कंट्रोल किया जाता है अनभक्तों को कैसे मतलब इधर बेरोजगारी है महंगाई है भुखमरी है इसको छुपाने के लिए समझ रहे हो ना मतलब लोग इस पे ना आए क्यों क्योंकि मुसलमानों के नाम है तो उलझ जाए कि नहीं मोदी जी क्या स्ट्राइकर है भाई क्या मारा है छक्का मुसलमानों के ही नाम को उड़ा दिए तो इससे है ना ये कंट्रोलिंग पावर है इससे कंट्रोल में आते हैं वोटर जो भक्त है वो मोदी जी की तरफ खींचे चले आते हैं मतलब क्या मारा है मोदी जी वाह क्या शॉर्ट है भाई मुस्लिम के नाम को मतलब एक झटके में बदल दिया तो भाई अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में तो बहुत इलेक्शन है स्टेट के ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में भी है दो हज़ार चौबीस में भी इलेक्शन है तो इसी तरह होता रहेगा आगे भी आते रहेंगे नाम बदलते बदलता रहेगा किसी न किसी का मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में आप समझ रहे हो मतलब पूरा नाम वाम बदलने का ही चक्कर चलेगा क्योंकि ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में इलेक्शन है लोकसभा इलेक्शन तो उसकी तैयारी है है देख रहे हो मोदी जी का दिमाग देख रहे हो कितना ख़तरनाक है नामकरण को कंट्रोलिंग पावर बना दिया इसके लिए भी एक तालियां होनी चाहिए चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए